Welcome to this new episode of Cinema Talk. Me, Meenu Agrawal, in conversation with Murtuza Ali Khan. आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं, उस फिल्म की शूटिंग 3 years तक चली और फाइनली 11 अप्रैल 1994 कंप्लीट हुई। बॉक्स ऑफिस पर 5 crore कलेक्शन लेने के बावजूद इस फिल्म को डिजास्टर की कैटेगरी में रखा गया। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अंदाज अपना अपना, जिसको डायरेक्ट किया राजकुमार संतोषी जी ने। मुर्तजा, ये फिल्म फ्लॉप की कैटेगरी में आई, बट ओवर द इयर्स इस फिल्म को काफ़ी पसंद किया लोगों ने। रादर मैं तो बोलूँगी कि एक काफ़ी हिट उसमें गई, ऐसा क्या रहा, इसकी जर्नी क्या है? देखिए, जब ये फिल्म आई थी तो इसको उस तरह का रिस्पांस नहीं मिला थिएटर्स में। कंपटीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, साथ इसके हम आपके हैं कौन थी, राजा बाबू थी, तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन था। और किसी वजह से इस फिल्म की मार्केटिंग और जो प्रमोशंस हैं वो भी बहुत लेट शुरू हुई, इसलिए लोगों को इस फिल्म के बारे में पता ही नहीं चल सका और इसलिए इसकी प्रमोशनल लेवल पे चूंकि वीक हो रह गई थी, लोग थिएटर्स जा नहीं पाए। और इसलिए ये फिल्म बहुत बड़े बजट की बनी थी, मल्टी स्टारर थी, आमिर खान, सलमान खान, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर, परेश रावल, शक्ति कपूर, इतनी बड़ी स्टार कास्ट होने के बाद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे औंधे मुंह गिर गई थी। और ऐसा कहते हैं कि इसको प्रमोशन में टाइम भी नहीं मिला, ओनली आई थिंक 2 weeks पहले इसका प्रमोशन चालू किया, और उसमें भी क्योंकि कंपटीशन इतना सॉलिड था इस मूवीज के बाद, तो ये मूवी तो चलनी ही नहीं थी। और आपको ये भी समझना होगा कि अर्ली 90s था, तो प्रमोशन का जो मैकेनिज्म था वो आज इतना फास्ट नहीं था। सोशल मीडिया नहीं था कि आप एकदम से किसी फिल्म को बम्बार्ड कर दो, तो टाइम लगता था चीजों को सर्कुलेट होने में, एंड यूजर तक पहुंचने में, पूरी तरह से इंडिया में फैलने में, इसलिए 2 हफ्ते का वक्त काफी कम था। और मुझे ऐसा कहते हैं कि इस मूवी में काफी रियल इंसिडेंट्स को काफी लिया गया है, राइट? जैसे करिश्मा का नाम करिश्मा है, रवीना का नाम रवीना है, और इसमें मैं देख रही थी कि इसमें आमिर खान का भी किसी डायलॉग जब वो कुछ बोल रही थी तो बैकग्राउंड में उनका एक गाना चल रहा था, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, ऐसे सलमान खान का गाना चल रहा था कि हम आपके हैं कौन का, और गोविंदा अपीयर्स एज गोविंदा इन द फिल्म, जूही चावला अपीयर्स एज जूही चावला इन द फिल्म, तो बहुत ज्यादा मेटा है इन दैट वे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इसको पूरी तरह से फिल्म को माउंट किया गया है कि जो ऑरास हैं, जो पर्सनालिटीज हैं अलग अलग स्टार्स की, जैसे आमिर की है, सलमान की है, उसका भी बहुत ध्यान रखा है। तो वो ये कैरेक्टर्स तो प्ले कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ वो अपने पर्सोना को भी स्क्रीन पे लेके आए हैं। सो दैट लेवल पे ये फिल्म देखा जाए तो बहुत यूनिक है और 90s के लिए आई थिंक इट्स वेरी अहेड ऑफ इट्स टाइम इन दैट वे हाउ इट बैलेंसेज द स्टार विद द कैरेक्टर। और इसका ना एक बहुत बड़ा एक क्रेडिट मैं राजकुमार संतोषी जी को दूंगी कि ये कहते हैं कि जब शूटिंग चल रही थी इस मूवी की तो जितनी भी कास्ट थी ये लोग आपस में बात नहीं कर रहे थे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, बट ऑन स्क्रीन आप देखें तो केमिस्ट्री कितनी अच्छी दिखाई दे रही है। इट्स अमेजिंग, हु वुड हैव थॉट कि आमिर खान और सलमान खान इसके बाद जाके एक साथ पर्दे पे नहीं दिखेंगे इतने लंबे समय तक, लेकिन जब ये हुआ तो इट वॉज रियली अ मिरेकल। तो ये फिल्म हालांकि बॉक्स ऑफिस पे बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, बल्कि औंधे मुंह गिरी इतनी बड़ी मल्टी स्टारर होने के बाद भी। और ओवर द इयर्स अगर आप इस फिल्म को देखें तो इसको एक कल्ट स्टेटस मिला है, इसकी फैन फॉलोइंग बहुत कमाल की है, इसके डायलॉग्स लोगों को याद हैं, इसके कैरेक्टर्स को लोग सपोर्ट करते हैं, आज भी कई बार कॉस्प्ले भी होता है क्राइम मास्टर गोगा जैसे कैरेक्टर का। तो थोड़ा सा बताइए ये क्या राज है इसका कि ओवर द इयर्स ये इतनी बड़ी कल्ट क्लासिक बन के उभरी है? देखिए, बहुत सारे रीजन्स हैं, जैसे हमने अभी हमने डिस्कस किया था कि जब ये मूवी 1994 में रिलीज हुई तब लोग कहते थे क्या पागलपंथी की कॉमेडी है इस मूवी में, राइट? किसी को शायद हंसी नहीं आती थी इतना लोगों को, बट आई रिमेम्बर व्हेन आई वॉच दिस मूवी लाइक लॉन्ग इयर्स अगो, राइट, शायद मैं हंसी रोक नहीं पा रही थी, मैं पूरी पिक्चर में सिर्फ हंसी जा रही थी, मुझे इसकी कॉमेडी इतनी अच्छी लगी। आई थिंक वो सिचुएशनल कॉमेडी है और बहुत ही कैरेक्टर ड्रिवन कॉमेडी है, इट्स नॉट कि सेंसलेस कॉमेडी है इन दैट सेंस, देयर इज अ लॉजिक इवन इन द लैक ऑफ लॉजिक। ठीक है, कैरेक्टर्स जो हैं, जो इनके सिनेरियोज हैं, ये हो सकते हैं अनरियलिस्टिक हैं, पर देयर इज अ ड्राइव बिहाइंड दीस कैरेक्टर्स। और आमिर खान को इसमें स्ट्रीट स्मार्ट दिखाया है, सलमान खान को इसमें एकदम डम दिखाया है, बट उनकी जो डायलॉग्स हैं
वो एक शो को स्टील कर लेते हैं, लाइक दोनों का, मतलब सब कहते हैं कि आमिर खान ने शो स्टील कर दिया, बट मैं बोलूंगी कि नहीं, दोनों सलमान खान का भी काफी कॉन्ट्रीब्यूशन है। सलमान खान जो एक सिंपलटन प्ले कर रहे हैं, एक बड़े रेगुलर से सिंपल सीधे साधे इंसान, लेकिन उसमें आई थिंक लेयर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड दे प्ले ऑफ ईच अदर आई वुड से, कि आमिर और सलमान जब साथ होते हैं तो एक बड़ी कमाल की केमिस्ट्री है, एंड दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर सो वेल, कि अगर आमिर हैं तो थोड़े से ठीक है चटक हैं, थोड़े से चलाक हैं, एंड देन सलमान इज अ सिंपलटन, लेकिन दोनों एक दूसरे को जिस तरह से प्ले ऑफ कर रहे हैं, आई थिंक बहुत ही कमाल की कैरेक्टर ड्रिवन क्वालिटी आ जाती है इसमें, जो केमिस्ट्री दोनों की है वो दिखती है, इट शोज ऑन द स्क्रीन, एंड इट कैन ओनली हैपन थ्रू हार्ड वर्क। आई एम श्योर उन्होंने इस पे बहुत काम किया होगा, तो लुकता दिखता बहुत एफर्टलेस है, पर द वर्क हैज गॉन इनटू क्रिएटिंग दिस केमिस्ट्री। और आप सोचिए ना कि off the screen they're not talking to each other, right? Nobody is talking to, but on screen ko kitna I think kafi mehnat kar, mera bada favorite scene hai that kali mirch ke laddu wala, you know that, oh my god, it gives me endless laughs, matlab aaj bhi main dekhta hu meri hansi rukti nahi hai, ki kaise ek ke baad ek kali mirch ke laddu khaye ja rahe hain, khaye ja rahe hain, khaye ja rahe hain, it's really funny in that way, but there are so many other dialogues also, you know, agar hum baat kare ki teja मार्क किधर है, या हम बात करें कि क्राइम मास्टर गोगो आया हूं तो कुछ लेके जाऊंगा, या हम बात करें, यू नो, इतने कमाल कमाल के इसमें डायलॉग्स हैं कि आपको उस पर हंसी भी आती है, प्लस आपको याद भी आता है। व्हाट अबाउट दैट डायलॉग जो आमिर खान ने बोला था शक्ति कपूर के कैरेक्टर के लिए, ये तो पुरुष ही नहीं है, कुछ यही था ना शायद, ये पुरुष ही नहीं है, महापुरुष है, लेकिन जो पॉज लेते हैं ना कि पुरुष ही नहीं है ये, ये तो महापुरुष है, तो वो जो सिचुएशनल कॉमेडी है वो उसमें बड़ी अच्छी निकल के आती है, जो हल्का सा पॉज है ना, तो वो हमें याद आता है, यू नो, वी गो बैक टू आवर पंचुएशन की क्लासेस, के हल्का सा पॉज भी कैन मेक अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस टू द मीनिंग दैट्स इंप्लाइड। बट ये वाला जो कॉमेडी है उस समय नहीं था, मतलब 1994 के लोगों ने इसको कैच शायद नहीं किया था, अगर वो बोलते हैं कि ये पागलपंती की कॉमेडी है तो मैं यही बोलूंगी कि शायद वो लोग कैच नहीं कर पाए, क्योंकि अगर हम देखिए तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन फेज देखिए, मुझे लगा थोड़ी वक्त से आगे थी और उस जमाने में सैटेलाइट टेलीविजन भी आ ही रहा था, तो बहुत सारी जो इस तरह की कॉमेडी के ट्रोप्स हैं वो धीरे धीरे हमारे पास टेलीविजन से आए हैं, यू नो, इंटरनेशनली टेलीविजन पर आए, और टेलीविजन के थ्रू धीरे धीरे हम लोगों ने इसको एंडोर्स किया है, और उस वक्त के लिए जो कॉमेडीज होती थी 80s की, अगर आप देखें या 90s की बात करें, तो बहुत डिफरेंट तरह की कॉमेडीज होती थी, इंटेलिजेंट कॉमेडी थी, उसके बाद जब रियलिटी उनको स्ट्रक करती है, और फिर जब उनको पता चलता है कि एक अपॉर्चुनिटी है एक अमीर लड़की से शादी करने की, तो वहां पे वो जाते हैं दोनों, और किस तरह से उसका प्ले ऑफ होता है, और किस तरह से अलग अलग तरह से, यू नो, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स बीच बीच में आते जाते हैं, परेश रावल जी का डबल रोल है इसमें, इन शक्ति कपूर का आइकॉनिक कैरेक्टर हमने क्राइम मास्टर को तो डिस्कस कर ही लिया है, प्लस साथ ही साथ जो छोटे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, ऑल्सो लेट्स टॉक अबाउट द फीमेल लीड्स, आई थिंक करिश्मा कपूर एंड रवीना टंडन आर ब्रिलियंट, यू नो, हाउ दे अंडरप्ले देमसेल्व्स, एंड दे ऑल्सो लुक वेरी, यू नो, ब्यूटिफुल, you know, in their own ways, beautiful, innocent, you know, innocent beauty, there is something about them, I think this is really works for the character so well, this particular innocent aspect. So us samay ka jo unka innocence hai dono ka, right, Raveena ka aur Karishma ka, aaj ki movie mein kafi transformation hai, kafi improvement hai, maturity hai, but I still like that आमिर और सलमान के कैरेक्टर के साथ जो उनके डायनेमिक्स हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग तरह से निकल के आते हैं इसमें। तो आई वुड से कि ये मूवी काफी हिट हिट फिल्म है। बिल्कुल, आई थिंक आज की जनरेशन के लिए तो ये एक बहुत सुपरहिट फिल्म है, कल्ट क्लासिक फिल्म है। जब आई थी तो फ्लॉप शायद रही थी, लेकिन ओवर द इयर्स इसकी जो फॉलोइंग है बहुत स्ट्रांग हो गई है, और आज जब भी इसको कोई रिविजिट करता है तो उसको यकीन ही नहीं होता कि ये फिल्म शायद कभी फ्लॉप रही हो। और इसने काफी अच्छे पैसे कमाए थे, 5 करोड़ उस समय। हाँ, ऑफ कोर्स, लेकिन क्योंकि मल्टी स्टारर्स का उस वक्त ट्रेंड में नहीं था, तो लोगों को शायद लगा होगा कि एक्सपेरिमेंटेशन की स्पेस में है, पर अगर आप इस तरह की मल्टी स्टारर से एक्सपेक्ट करें तो 5 करोड़ फॉर अ फिल्म लाइक दिस थोड़ा कम है। हालांकि इट्स not a bad money given it was 1994,
बट फॉर अ मल्टी स्टारर लाइक दिस एक्सपेक्टेशंस मस्ट हैव बीन मच हायर. सो ये थी हमारी आज की फिल्म अंदाज़ अपना अपना, और आपसे फिर मिलेंगे हम किसी और नई मूवी के साथ. थैंक यू.